नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। देश के कई राज्यों में कोयला संकट से निपटने के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम। अब बिजली संयंत्रों को 3 साल तक नहीं आएगी कोई दिक्कत। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने साधा सांसद नवनीत राणा पर निशाना, कहा राज्य का माहौल खराब करना चाहते हैं पति पत्नी। महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा हमला, गोडसे का बखानी करती है बीजेपी, विदेशी मेहमानों को लेकर जाती है गांधी आश्रम। साल 69,237 लोग कर सकेंगे हज यात्रा। सऊदी अरब में तय किया कोटा, 65 साल से कम उम्र के लोगों को हज की अनुमति। हिमाचल में सियासी शनिवार कांगड़ा में कार्यकर्ता से मिले नड्डा, केजरीवाल करेंगे रैली। अलवर में 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर, बीजेपी ने गठित की 3 सदस्यीय कमेटी, जिला कलेक्ट्रेट बोले विधि विधान से हटाई गई मूर्ति। भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, मुस्लिम महिलाओं और कश्मीरी पंडितों ने फूलों की बारिश कर किया स्वागत। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों का आंकड़ा हुआ 15,069, राज्य और यूटीएस के पास है 20.10 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराकें। महाराष्ट्र के सीएम के घर के बाहर शिवसैनिकों के उत्पात के बाद नवनीत का उद्धव ठाकरे पर हमला, कहा सीएम हालत खराब करने में मास्टरमाइंड। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में फायरिंग के बाद थी फरार होने की तैयारी, रिमांड में सोनू चिकना ने खोले राज, करीब से लेने पहुंचा था पैसे। उच्च शिक्षा के लिए भूल कर भी ना जाए पाकिस्तान, मान नहीं है डिग्रियां, यूजीसी और AICTE ने भारतीय छात्रों को किया आगाह। नई दिल्ली में राजीव कुमार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, अगले महीने में सुमन बोरी संभालेंगे पदभार। हेट स्पीच मामले में दिल्ली पुलिस को बेहतर हलफनामा दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 2 जजों की बेंच ने जताई नाराजगी। IIT मद्रास ने कोरोना संक्रमण का सस्ता इलाज ढूंढा, मरीजों पर प्रभावित मिली इंडोमार्थिन दवा। भारत और ब्रिटेन में दिवाली तक होगा STTF। पीएम मोदी और जॉनसन ने अपने संबंधित मंत्रियों को दिया निर्देश। अमेठी में महिला दारोगा की मौत का मामला, सरकारी आवास में फंदे से लटकता मिला शव। चंदौली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ, कांग्रेस पर तन, चुनाव जीतने के लिए लेना पड़ रहा है एजेंसी का सहारा। गाजियाबाद में ठग, बाप बेटे का गिरफ्तारी, इनाम का लालच देकर लूट करते थे दोनों। कानपुर में सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दिया जांच का निर्देश।
कुशीनगर में अंतर जनपदीय गांजा तस्कर का एक गिरोह का पर्दाफाश, 51 किलो अवैध गांजा के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में दहेज की रकम पूरी न होने पर नहीं आई बारात, दहेज लोभियों ने बारात लाने से किया इनकार, शादी के जोड़े में बैठी रही दुल्हन। लखीमपुर खीरी में शिक्षिकाओं की घिनौनी करतूत, तबादला रुकाने के लिए छात्राओं को बनाया बंधक। लखनऊ में रमजान के आखिरी अशरे का आगाज, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बयान, रहमत बरकत के महीने में ज्यादा इबादत करें। रायबरेली में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस अलर्ट, मॉडल शॉप के बाहर चलाया चेकिंग अभियान। अलीगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता, बच्चा चोर गैंग का किया पर्दाफाश। फरीदाबाद में वकील की मौत से सनसनी, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फरुखाबाद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, अवैध अतिक्रमण पर चलाया गया बुलडोजर, नगर मजिस्ट्रेट ने दी चेतावनी। संभल में दबंगों की दबंगई, महिला के साथ की मारपीट, आरोपियों पर केस हुआ दर्ज। मथुरा में परिवहन विभाग ने चलाया अभियान, स्कूल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, गाड़ी मालिकों को दी सख्त हिदायत, अवैध पार्किंग पर कटेगा चालान। प्रयागराज में एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या पर सीएम योगी आदित्यनाथ और बसपा मुखिया मायावती दुखी। संभल में 500 लोगों का मतांतरण करने के लिए हुआ कार्यक्रम, धार्मिक गुरु बोले बदल ले अपना धर्म। सीएम योगी आदित्यनाथ का 5 वर्ष का रोडमैप तैयार, 2 दिन फील्ड में रहे मंत्री और उनके फील्ड बैंक पर तय होगी कार्य योजना। केंद्रीय मंत्री राम दास अठावले बोले बसपा प्रमुख मायावती को भाजपा के साथ लाने का करूंगा प्रयास। गोरखनाथ मंदिर ने पेश की मिसाल, लागू किया सरकार का आदेश, अब मंदिर से बाहर नहीं जा रही लाउडस्पीकर की आवाज। संगठन के मानक पर खरा उतरने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे भाजपाई। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद भाजपा नेता संगीत सोम ने दिया बयान, आतंकी गतिविधियों में लिप्त मदरसे और मस्जिद ध्वस्त हो। राहत भरी खबर, शासन ने दिया आदेश, लोहिया संस्थान में पुरानी दरों पर ही हो इलाज। मेरठ में सूरज ने दिखाया तेवर, फिर 42 डिग्री के पास पहुंचेगा तापमान। खतरों में जान बच्चों को लेकर गोरखपुर की सड़कों पर फराटे भर रहा है 879 अनफिट स्कूल वाहन।
नेताओं के खिलाफ अपराध पर एक्शन में योगी सरकार। 6 महीने में 5 को मृत्युदंड और 300 को उम्र कैद की सजा दिलाने को प्रभावी पैरवी का लक्ष्य। प्रयागराज में बड़ी वार्ता, एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या, युवती से दुष्कर्म की आशंका। शिक्षिकाओं की घिनौनी करतूत, तबादला रुकवाने के लिए 20 छात्राओं को बनाया बंधक। लखनऊ में SSC SST की छात्राओं को इंजीनियरिंग कॉलेज में 1 रुपए में मिलेगी तकनीकी शिक्षा, यूपी सरकार बना रही प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार यूपी में स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच शुरू, 1 हफ्ते तक चलेगा विशेष अभियान। सत्र दिन से नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, उत्तरकाशी में देहरादून से महंगा बिक रहा पेट्रोल। उत्तराखंड में कांग्रेस के कुनबे में फिर सेंध की तैयारी में भाजपा, उपचुनाव से पहले कद्दावर नेता थाम सकते हैं दावा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में छाई रही बेरोजगारी, अब युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार बना रही नई एजेंसी। गर्मी से राहत पाने के लिए वीकेंड पर करें उत्तराखंड का रुख, प्रकृति की गोद में बिताएं सुकून के पल। उत्तराखंड के लिए काफी अहम है परियोजना, तीर्थयात्री केवल 4 घंटे में पहुंचेंगे बद्रीनाथ। डॉग ओनर्स के लिए अच्छी खबर, देहरादून में लाइसेंस के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, बस एक क्लिक पर हो जाएगा काम। उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में खोली जाएगी SGRF की नई स्थायी पोस्ट, 4 जिलों का नाम शामिल। उत्तराखंड में अराजक तत्वों का पता लगाने के लिए अभियान जारी, दूसरे दिन पुलिस ने 732 का किया सत्यापन और 25 का चालान। उत्तराखंड परिवहन निगम में करोड़ों के घाटे में चल रहे महकमे में 1 साल में बदले 7 प्रबंध निदेशक। पाथ और सड़क पर हुए अतिक्रमण पर नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, सहारनपुर रोड और गांधी रोड पर गरीब JCB। देहरादून में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, 20 साल की कैद, राखी बांधती थी पीड़िता। धोखाधड़ी के मामले में फरार बर्खास्त पोस्टमास्टर को किया गया गिरफ्तार, RD बचत खातों और FD से लाखों रुपए की रकम की थी हजम। हल्द्वानी में पटवारी बनाने का झांसा देकर दंपति ने रेस्टोरेंट स्वामी को लगाया 5 लाख का चूना। जलालपुर पथराव में आनंद भारती ने बुलाई बैठक, 27 अप्रैल को होने वाली महापंचायत को लेकर होगी चर्चा। हल्द्वानी में जल्द 4500 घरों पर गरजने वाला है बुलडोजर, मास्टर प्लान तैयार। यूक्रेन के बाद और भी देशों पर है रूस की नजर, जेलेंस्की ने किया आगाह।
पाकिस्तान में नई सरकार आने के बाद भी नहीं रुक रहे आतंकी हमले, पेशावर और खैबर जिले लगातार बन रहे निशाना। इस्तीफा देने के बाद भी सरकारी सुविधाओं का लुत्फ उठा रहे इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सदस्य। रूस संयुक्त पोत मोस्कवा डूबने से पहले बड़े नुकसान की बात स्वीकारी, अब खुद कहा एक नौसेना की हुई मौत, 27 लोग लापता। पाकिस्तान में गहराया बिजली संकट, रमजान के दिनों में 10 से 12 घंटे गुल रहती है बिजली। अगर चीन ने सोलेमन द्वीप पर बनाया अपना नोबेल बेस तो उसका जवाब देगा अमेरिका, बीजिंग को यूएस की चेतावनी। ने आखिर जाहिर की अपनी मंशा का, दक्षिण यूक्रेन पर कब्जा करना उसका लक्ष्य, यूएन प्रमुख मॉस्को में करेंगे राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात। जर्मनी यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त 40 मिलियन अमरीकी डॉलर करेगा आवंटित। श्रीलंका में 21% हुई मुद्रास्फीति की दर, खाने पीने की चीजें हुई काफी महंगी। अमेरिका का दावा, रूस नहीं वह होगा भारत का सबसे विश्वसनीय साझेदार, रक्षा जरूरतें पूरी करने को उठाएंगे अतिरिक्त कदम। दिल्ली में बैंकों को बाजार से पूंजी जुटाकर बैलेंस शीट मजबूत करने का निर्देश। फ्यूचर रिटेल के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने खारिज की रिलायंस से डील। क्रेडिट कार्ड 7 दिनों में नहीं बंद किया गया तो बैंक आपको देगा 500 रुपए रोजाना, जुलाई से आ रहे हैं नए नियम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ कदम उठाने को प्रतिबद्ध। कैंसिल की 143 ट्रेनें लिस्ट देखकर निकले सफर पर, रेलवे के मुताबिक ट्रेनों को मरम्मती काम के कारण नहीं चलाया जाएगा। दिवालिया कानून की वजह से नहीं फंसेगा एमएसएमई का भुगतान, नई नीति में लाए जा रहे हैं कई प्राविधान। सरकार की योजनाओं में हुए बड़े बदलाव, नहीं ध्यान दिया तो होगा नुकसान, नए बदलावों के बाद काफी की सुकन्या समृद्धि। महंगाई का तड़का, इंडोनेशिया के पाम ऑयल के निर्यात पर लगाया रोक, खाद्य तेलों में और लगेगी आग। रेलवे ने सीनियर और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती निकाली, इसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 13 पद जिसमें से ओबीसी के लिए 3 पद और जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 7 पद निर्धारित किए गए। केवीआईसी ने जम्मू कश्मीर में सारौदिक इकाइयां स्थापित की, रोजगार सृजन भी रहा अव्वल। के वानखेड़े स्टेडियम में कलर के जोश के सामने दिल्ली की हुई बोलती बंद, राजस्थान से मिली हार। यूपी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने के मामले में 11वें पायदान पर, राज्य में विदेश कंपनियों की 40 परियोजनाओं पर इस समय काम चल रहा।
राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, अपने खराब वाहनों को तत्काल वापस ले ईवी निर्माता। केंद्र ने ड्रोन पीएलआई योजना के तहत अस्थायी रूप से 14 फर्मों का किया चयन। पॉलिसी की हार्ड कॉपी मांगना चाहते हैं ज्यादातर ग्राहक, हालांकि क्लेम के समय कंपनियां ही बीमा पॉलिसी की कॉपी मांग बढ़ती। राजस्थान के खिलाफ मैच में हाई वोल्टेज ड्रामा, बीच मैच में अपने बल्लेबाजों को बुलाने लगे ऋषभ पंत। बटलर ने लगाया आईपीएल के सीजन का जगह तीसरा शतक, लगा दे रिकॉर्ड्स की छड़ी। सचिन तेंदुलकर ने T20 क्रिकेट को क्रूर प्रारूप करार दिया, कहा छोटी गलतियां भी पड़ती हैं भाई। क्रिस्लिन ने कहा, खेमों में बटी हुई नजर आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम। दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच रिकी पोंटिंग के परिवार का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव निकला। आईएएस अधिकारियों ने शाहरुख, अजय देवगन और अमिताभ बच्चन से मांगा जवाब, गुटखा पीक से सने हावड़ा ब्रिज की तस्वीर की शेयर। यामी गौतम ने शेयर की ज्योति देशवाल की बीटीएस झलक। अजय देवगन और अमिताभ बच्चन के बीच हुई तीखी नोकझोंक। अक्षय कुमार के फिर बढ़ी मुश्किलें, तंबाकू विज्ञापन पर माफीनामा के बाद वायरल हुई सिगरेट के एड की तस्वीर। ने कहा, अब कास्टिंग के लिए एक्टर के टैलेंट के साथ साथ सोशल मीडिया फॉलोअर्स भी मायने रखते हैं। प्राइम वीडियो की चर्चित वेब सीरीज के तीसरे सीजन की तैयारियां जोरों पर, मुंबई के सेट से लीक हुई अमित साध की तस्वीर। सलमान खान की कभी ईद कभी दिवाली से बाहर हुए अरशद और श्रेयस, आयुष शर्मा की हुई एंट्री। पायल रोहतगी के बॉयफ्रेंड संग्राम सिंह ने सादा मुनव्वर फारूकी पर निशाना बताया लॉकअप की मंत्रा। कभी सुसाइड करना चाहते थे मनोज बाजपेयी, आज है मुंबई में इंडस्ट्री के टॉप एक्ट। मुंबई में सामंता रूथ प्रभु ने ट्रोल्स को लगाई लताड़, ट्वीट कर दी आखिरी चिता। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।